नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और कम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी आपके मददगार साबित होंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। जो मूल संविधान है हमारा, जो शुरू में जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी वो कितनी थी, तो इसका सही जवाब है 8। ठीक है, और बाद में और अनुसूचियाँ जोड़ी गई। ठीक है, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, सही जवाब है 12। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में 29 राज्यों तथा 7 संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। यानी किस अनुसूची में भारत के 29 राज्यों एवं 7 संघ राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में वर्णन किया गया है, तो उसका सही जवाब है पहली अनुसूची में। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति व उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। या मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि वेतन, भत्ते, पेंशन आदि संबंधित उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो किया गया है दूसरी अनुसूची में। पांचवा प्रश्न है, शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन, शपथ एवं प्रतिज्ञान, तो इसका वर्णन किया गया है अनुसूची 3 में। किस अनुसूची में किया गया है, अनुसूची 3 में। छठा प्रश्न है, किस अनुसूची में संसद सदस्यों, संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्य विधान मंडल के सदस्य व मंत्री तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ा कि शपथ जो एवं प्रतिज्ञान का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तीसरी अनुसूची, तो इनका भी वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, अनुसूची 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है। तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है। आठवां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल शपथ लेता है, अनुच्छेद 159 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति 69 और राज्यपाल 159 के तहत शपथ लेता है। भारत के राज्यों तथा दिल्ली व पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, चौथी अनुसूची में। दसवां प्रश्न है, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जो सीटें हैं वह है उत्तर प्रदेश की। कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची में किया गया है, तो ये किया गया है पांचवी अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, किस अनुसूची में किया गया है, पांचवी अनुसूची में। बारहवां प्रश्न है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, छठी अनुसूची में। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 13 क्वेश्चन, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है, तो ये किया गया है सातवीं अनुसूची में। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी गया है कि आपने संघ सूची, संवर्धित सूची, राज्य सूची, इनके बारे में सुना हो। ठीक है, तो इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं, 97 विषय। ठीक है, संवर्धित सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं, 47। राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं, 66। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संघ सूची में केवल केंद्र कानून मतलब नियम कानून जो बनाएगा, संवर्ती सूची में राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी, लेकिन अगर
अधिकतर केंद्र का ही कानून मान्य होगा अगर किसी एक के विशेष पर निर्णय दिया जाता हो तो। राज्य सूची में राज्य बनाएगा। 17वां प्रश्न है, भाषाओं का प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो भाषाओं का प्रावधान किया गया है अनुसूची 8 में। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? सही जवाब है 14। देखो, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वह 14 हैं, जबकि वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो कुल भाषाएं हैं कितनी? 22। ठीक है, सबसे पहले जो भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में वो थी 14, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा संविधान में किस भाषा को जोड़ा गया? किसमें? 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसको जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 1967 में तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा। वहीं 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, 15वीं भाषा सिंधी भाषा हो गई, और कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी लगभग क्रमशः 16वीं, 17वीं और 18वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा संविधान में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? ठीक है, संविधान संशोधन 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली व बोडो, ये सारी भाषाएं जोड़ी गई थी। चार भाषाएं कब? 92वें संविधान संशोधन 2004 में। नवी अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? ठीक है, तो ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1915 द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई, क्योंकि आज जब संविधान निर्माण हुआ था उस टाइम कुल अनुसूचियां 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। नवी सूची कब जोड़ी गई थी? 1951 में। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 25वां प्रश्न है, पंचायतों की शक्तियों तथा अधिकारों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? पंचायत की शक्तियां तथा उनका अधिकारों का वर्णन किया गया है 11वीं अनुसूची में। किसमें किया गया है? 11वीं अनुसूची में। 26वां प्रश्न है, नगर पालिका की शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? 12वीं में। ठीक है, ध्यान रखिए, देखो पंचायत की शक्तियों का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है, वहीं अगर हम लोग नगर पालिका की बात करते हैं तो वो 12वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। 12वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 74वीं संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। दोस्तों, ये थे 27 प्रश्न जो कि भारत की अनुसूचियों संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे संविधान से। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो मुझे लगता नहीं कि शायद आपको कहीं और इन क्वेश्चन को देखने की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।